थोड़ा मुस्कुराइए क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जो है आने वाले हैं। सबसे पहले एक निराशाजनक जो लोगों की बातें अभी चल रही है कि हमारे व्यापार में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है। देखिए प्रभु श्री राम जब करते हैं तो सबके लिए करते हैं। और ऐसी मार्केट की स्ट्रेटेजी लगा के आप काम कर सकते हो। बेचने वाले लोग क्या है ना, बैठे नहीं रहते, तो फिर जो है रोने से तो काम बनेगा नहीं। भगवान श्री राम आपके लिए एक अच्छा समय लेके आए, एक सही समय लेके आए, इसका सदुपयोग जरूर कीजिए। तो फिर जो है सबसे पहले आप सभी को जय जय श्री राम। और जो है आज के हमारे वीडियो की शुरुआत कुछ राममय होकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। तो फिर जो है अभी का जो समय चल रहा है जिसमें सारे लोग जो है राममय हो चुके हैं, सारे भक्ति में जो है श्री राम जी के भक्ति में लीन हो चुके हैं, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है आने वाले हैं। लेकिन साथ में प्रभु श्री राम के आने से इकोनॉमिक जो है चीज़ें भी धीरे धीरे बदलती दिख रही हैं, जिसमें से हमारे जो है आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र जिसे हम मान सकते हैं वो है हमारे प्रभु श्री राम और जो है अयोध्या। पर इससे जो है हमारा क्या फायदा होने वाला है, देखिए प्रभु श्री राम जब करते हैं तो सबके लिए करते हैं। इसी के साथ जो है हमारे अगरबत्ती बिजनेस या फिर मैं कहूँ तो पूजा से रिलेटेड जितने भी चीजें ग्रो करने वाला है, आगे ये और काफी ज्यादा जो है बढ़ने वाली है। खासकर जो है पूजा से जुड़ी हुई सामग्री, अगरबत्ती, धूप, बर्तन ले लो, कपड़े ले लो, और न जाने क्या क्या चीजें, जिसकी जो है समय के अनुसार जो है बढ़त बिल्कुल देखी जा रही है, और आगे समय जाके ये और काफी ज्यादा जो है बढ़ने वाली है। तो फिर जो है इसे समझते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है बिंदु, केंद्र बिंदु जिसे हम मान सकते हैं, वो अयोध्या और राम मंदिर। यहाँ पे जो है लगातार पिछले 4-5 महीनों से आने वाले 4-5 महीनों तक मान के चले तो ये पूरा साल, अब होगा क्या, आप ये भी सोच रहे होंगे भाई वो तो चीजें अयोध्या में हो रही है, हम तो किसी और दूसरी जगह में बैठे हुए हैं, तो हमारे बिजनेस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब हमें कैसे फायदा होगा। तो होगा बिल्कुल। इसमें चीजें समझने वाली ये है कि लोग अभी पूरा देश, और देश को मैं बोलूँ पूरा विश्व या वर्ल्ड, वो भी ये जानने में लगा हुआ है कि बाहर के देशों के लोग ये जानने में लगा हुआ है कि आखिर अयोध्या में चीजें क्या हो रही है। आप तो भारत के हो, आपको तो सारी चीजें जो है मालूम है। और यहाँ पे अयोध्या की बात नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि अयोध्या के साथ साथ जितने भी छोटी बड़ी मंदिरें हैं, मतलब अपने आस पास की जगहों में, मैंने यही पास में अपने घर के पास की या फिर अपने शहर के पास की मंदिरों में ये चीजें देखी कि वहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है, रौनकता बढ़ी हुई है, हर एक जगहों पे झंडे, काफी सारी चीजें जो पूजा से रिलेटेड सामान की बिक्री जो है वो भी बढ़नी चालू हो गई है। तो इसका इफेक्ट आपको हर एक जगह पे, हर एक मंदिरों पे, हर एक ऐसी छोटी छोटी जगहों में जहाँ पूजा से रिलेटेड चीजें बिकती हैं, बाजार हो, मार्केट हो, या फिर और काफी सारी जो चीजें, उसका भी जो है डिमांड जो है बढ़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब जो इनकम के जो सोर्स हैं, उसमें भगवान श्री राम हो गए या फिर अयोध्या, तो इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो 500 करोड़ के आसपास का बजट, मतलब जो एक रिपोर्ट जैसे मैं कहना चाहूँ तो वो जो है 500 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ तक अनुमान लगाई जा रही है। ये तो खाली अयोध्या और ये भारत की जो है मैं बारे में बात कर रहा हूँ, और इसे आप गूगल या फिर किसी भी तरीके से सर्च करके चीज़ों को तो समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप भी अपने बिजनेस का प्लानिंग जो कर सकते हैं। आप सोचो कि भाई बैठ के बात करने से चीज़ों पे क्या है, आप तो बोल रहे हो, लेकिन क्या है, मेरे बोलने से तो कुछ चीज़ें बदलेगी नहीं, आपको जो है करना पड़ेगा काम। और इसके लिए आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन स्टोर्स में हो गए या फिर रिटेल के शॉप्स में या फिर और ऐसी मार्केट की स्ट्रेटेजी लगा के आप काम कर सकते हो। बेचने वाले लोग क्या है ना, बैठे नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं दिमाग घुमाते रहेंगे कि कैसे बेचे। और एक सही समय है, अगर आप नए मार्केट में हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर ये तो समय बनता ही है। और भगवान श्री राम आए तो फिर आपका काम तो सफल होना ही होना है, थोड़ा सा दिमाग
और आपको अपने काम, अपने बिजनेस के ऊपर काम करना है, तो फिर जो है रोने से तो काम बनेगा नहीं। भगवान श्री राम आपके लिए एक अच्छा समय लेके आए, एक सही समय लेके आए, इसका सदुपयोग जरूर कीजिए। और जो है मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है, ऐसी कुछ छोटी बड़ी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो फिर ये चैनल जो है सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रख लीजिएगा। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।